नहीं रही गुलाबो सिताबो की बेगम फारूक जफर, 89 ईयर्स की एज में हुआ निधन। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर शोक का माहौल है। इंडस्ट्री की दिग्गज और वेटरन एक्ट्रेस फारूक जफर का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में फारूक इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं। फिल्म सुल्तान और गुलाबो सिताबो में बेहतरीन एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री फारूक के निधन की खबर उनकी बड़ी बेटी मेहरू जफर ने दी है। फारूक की तबीयत इस महीने की शुरुआत में बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सहारा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन शुक्रवार शाम को उनका निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक की बीते कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं चल रही थी। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अपनी अंतिम सांस शुक्रवार को ली। इस दुख भरी खबर से बॉलीवुड गलियारों में एक बार फिर मातम पसर गया है। फारूक के निधन की खबर उनके पोते शाज अहमद ने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, मेरी दादी और स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी पूर्व MLC वरिष्ठ अभिनेत्री फारूक जफर का आज शाम 7 बजे लखनऊ में निधन हो गया। साथ ही उनकी बड़ी बेटी मेहरू जफर ने अपनी मां के निधन की पुष्टि करते हुए कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको सांस की दिक्कत के चलते 4 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके फेफड़े ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। वो शाम को करीब 6 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गईं। फारूक के निधन के बाद फैंस को भी काफी दुख पहुंचा है। फैंस और तमाम बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुलाबो सिताबो में फारूक के साथ काम कर चुके एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक्ट्रेस के दुनिया से चले जाने पर दुख जताया है। करियर की बात करें तो फारूक ने ईयर 1963 में रेडियो से अपना करियर शुरू किया था। वह विविध भारती की लखनऊ में पहली रेडियो अनाउंसर थीं। वहीं फारूक ने अपना एक्टिंग डेब्यू बॉलीवुड फिल्म उमराव जान से साल 1981 में किया था। फिल्म में उन्होंने रेखा की मां का रोल प्ले किया था। इसके अलावा फारूक ने शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश और आमिर खान के संग पीपली लाइव में काम किया था। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म सुल्तान में भी फारूक नजर आई थीं। वहीं बीते साल OTT पर रिलीज हुई फिल्म गुलाबो सिताबो में उन्होंने बिग बी अमिताभ बच्चन की बेगम का रोल अदा किया था। फिल्म में वो फातिमा बेगम की भूमिका में दिखी थीं। निजी जिंदगी की बात करें तो आपको बता दें कि दिवंगत फारूक जफर की 2 बेटियां हैं, शाहीन और मेहरू। मेहरू पत्रकार और लेखक भी हैं और फारूक मेहरू के पास ही रहा करती थीं।